रोहतास पुलिस और एसएसबी रोहतास कैमूर पहाड़ी पर चलाया नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान। रोहतास एसपी आशीष भाती ने डेहरी के पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि रोहतास पुलिस और एसएसबी के द्वारा रोहतास कैमूर की पहाड़ी पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के थानों में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए एरिया डोमिनेशन किया जा रहा था। इसी दौरान रोहतास पुलिस और एसएसबी के सहायक समादेष्टा अभिषेक कुमार के नेतृत्व में रोहतास थाना क्षेत्र के तारडीह कप्परफूटी थनसा एवं बड़की बुधवां गांव में एरिया डोमिनेशन किया गया। एरिया डोमिनेशन के दौरान धनसा एवं बड़की बुधवां गांव के बीच जंगल से एक एक नाली देशी बंदूक 7.62 mm का 8 जिंदा कारतूस और 12 बोर का 4 खाली खोखा बरामद किया गया है। अवैध अग्नियास्त्र बरामदगी के संबंध में कांड दर्ज कर रोहतास पुलिस के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। रोहतास एसपी आशीष भाती ने बताया कि समय समय पर रोहतास कैमूर की पहाड़ी पर नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया जाता है, जिससे कि नक्सल गतिविधियां पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। 2 दिन पूर्व ही रोहतास पुलिस और एसएसबी ने कुख्यात नक्सली रामजी खरवार को रोहतास कैमूर की पहाड़ी से गिरफ्तार किया था। इसके पूर्व में भी कई दुर्दांत नक्सलियों और हथियारों की बरामदगी रोहतास पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। रोहतास पुलिस के द्वारा एसएसबी के सहयोग से लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अभी कुछ दिनों पहले नक्सली की गिरफ्तारी भी की गई थी और फिर से अभियान चलाया जा रहा था रोहतास पहाड़ी के ऊपर। तो एक जो उस उक्त अभियान के तहत एक देसी एक नाली बंदूक को बरामद किया गया है और 7.62 mm का 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, 12 बोर का खाली खोखा 4 बरामद किया गया है। उक्त जो क्षेत्र है कैमूर पहाड़ी का, उस पर पूर्व में काफ़ी ज़्यादा नक्सलियों का मूवमेंट हुआ करता था और उसको अभी काफ़ी कम हुआ है। और उसी क्रम में जो अन्य जो क्षेत्र हैं, खास करके जो काफ़ी जंगल के जो क्षेत्र हैं, घने जंगल के जो क्षेत्र हैं, उसमें भी हम लोग अभियान चला रहे हैं और घने जंगलों में जा कर के किसी भी प्रकार से कोई नक्सली को वहाँ पर स्थापित नहीं होने दिया जाएगा और तथा उनके जो सिंपथाइजर हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।